सतनाम वाहे गुरु सोहिला, राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जय घर कीरत आखिए करते का होई बिचारो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस घर में प्रभु का सत्संग होता है, प्रभु की बातें होती हों और उसकी कथा कहानियां सुनी और सुनाई जाएं, तित घर गावो सोहिला सिवरो सिर्जन हारो। ऐसे घर में बैठकर प्रभु का यश गाओ तथा उस सृष्टि के रचनहार को याद करो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला, तुम सभी मनुष्य मेरे निर्भय ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाओ। हवारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। गुरु जी कहते हैं, मैं कुर्बान जाता हूँ ऐसे प्रभु से जिसकी प्रशंसा के गुण गाने से सदा ही सुख होता है। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार, प्रभु नित प्रतिदिन अपने जीवों की देखभाल कर रहा है। वह प्रभु जो सबका देवन हार है, हमारी भी रक्षा करेगा। तेरे दाने की मत न पवे तिस दाते कवण सुमार, जिसके दान की कीमत नहीं गिनी जा सकती, उस दाते का कोई अंत नहीं ले सकता कि वह कितनी शक्ति का मालिक है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, प्रभु के पास सभी जीवों की मृत्यु का साल और समय लिखा है, इसलिए सभी जीव प्रेम और बैराग रूपी तेल डालना करें। देहो सज्जन असीसड़िया जो होवे साहिब सु मेल, हे प्रभु भक्तो आशीर्वाद दो जिससे प्रभु स्वामी के घर मेल हो जाए। घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन, हर घर में उस प्रभु ने मौत के बुलावे की चिट्ठी भेजी है, क्योंकि वे हर जीव को सदैव ही समय पर बुलाते हैं। सदन हारा सिमरिए नानक से देह आमन, उस मृत्यु के समय को इसलिए हम सदा याद रखें क्योंकि वह दिन हर जीव के पास आ रहे हैं। राग आसा महला पहला, इस शब्द में गुरु नानक देव जी अपने भक्तों को बताते हैं कि छह शास्त्रों में छह भिन्न भिन्न उपदेश हैं और इनसे प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। छह घर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। कुल छह शास्त्र हैं और छह उनके गुरु हैं और छह उनके अलग अलग उपदेश हैं। उन सभी छह गुरुओं का एक प्रभु है जिसके अनेक रूप हैं। बाबा जयगर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए रहाओ। हे जीव, जिस घर में अर्थात जिस शास्त्र में प्रभु की स्तुति होती है, उस घर को अर्थात शास्त्र को संभाल कर रख, तभी तेरी प्रशंसा होगी प्रभु के सामने, तब तेरी कीमत पड़ेगी। विश्वे चस्या कड़िया पहरा, 15 बार आंखों का झपकना एक विषा बनता है, 15 विषय का एक चसा बनता है, 30 चसे का एक पल बनता है, 7 पलों का एक पहर बनता है, 8 पहर का एक दिन रात बनते हैं, और 7 दिनों का सप्ताह और 4 सप्ताह का एक मास, 12 मास का एक वर्ष बनता है। तिथवारी माह हुआ, तिथि और वारों से एक महीना बनता है। सूरज एको रुत अनेक, परंतु इन सब में सूरज एक है लेकिन ऋतुएं अनेक हैं। नानक करते कि कहते वेश, इस तरह एक ईश्वर के ढेरों रूप हैं। राग धनासरी महला पहला, इस शब्द का उच्चारण गुरु नानक देव जी ने सच्ची आरती क्या है इसके बारे में बताया। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, सारा गगन मानो एक बड़ा थाल है, उसमें सूरज और चंद्रमा दीपक के समान हैं।
तारिका मंडल जनक मोती और तारों के समूह जैसे मानो थाल में मोती रखे हुए हैं। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, मले नाम के पर्वत में उपस्थित चंदन के पेड़ों से आने वाली खुशबू मानो धूप बत्ती है और पवन चंवर झुला रही है। सगल बन राए फूलंत ज्योति और सारे पृथ्वी के पेड़ पौधे मानो आरती के फूल हों। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, हे जन्म मरण को मिटाने वाले कैसी सुंदर तेरी आरती हो रही है। अनहता सबद वाजंत भेरी रहाओ, मनुष्यों के भीतर मानो अपने आप से ही शब्दों के नगाड़े बज रहे हूँ। सहस्तव नैन नन नैन हह तो ही कौ, सभी जीवों में व्यापक होने से प्रभु तेरी हजारों आंखें हैं। निराकार रूप होने के कारण तेरा प्रभु कोई नेत्र नहीं है। सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी हजारों मूर्तियां हैं परंतु तेरी वास्तव में कोई भी शक्ल नहीं है। सहस पद विमल नन एक पद, तेरे हजारों सुंदर कमल के समान चरण हैं लेकिन निराकार होने के कारण तेरा एक भी चरण नहीं है। गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही, हजारों नाक होने पर भी प्रभु तू नाक रहित है। तेरे प्रभु ऐसे चमत्कारों ने मुझे मोह लिया है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, सभी जीवों में जो प्रकाश की ज्योति है वे तेरी ही ज्योति है। तिसते चानन सब में चानन होए, उसकी लो से ही सभी जीवों में प्रकाश है। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ऐसी ज्योति एवं प्रकाश का ज्ञान गुरु की शिक्षा से मिलता है। ज्योतिष पावे सो आरती होए, जो उस प्रभु को सही लगे वही आरती होती है, अर्थात उस प्रभु की रजा में जो कुछ हो रहा है जीवों को भी अच्छा लगे। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, प्रभु के कमल रूपी चरणों की धूल को मेरा मन ललचा रहा है। अन दिनों मोही आही प्यासा, रात दिन मुझे प्रभु रस की प्यास लगी रहती है। कृपा जल देह नानक सारेंग कौ, होए जाते तेरा नाए वासा। मुझ पपीहे को कृपा का जल प्रदान करो जिसके कारण मैं परमात्मा तेरे ही नाम में सदा टिका रहूं। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। गुरु जी ने सभी जीवों को बताया कि काम और क्रोध के साथ जीवों का शरीर भरा पड़ा है। संत जनों के साथ मिलकर ही काम क्रोध से छुटकारा पाया जा सकता है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। जिस जीव के पिछले जन्म के कर्मों से गुरु मिल, उसके मन में ईश्वर के नाम की लगन लग जाती है। कर साधु अंजलि पुनवड्डा है, संत पुरुषों को हाथ जोड़कर प्रणाम करना सबसे बड़ा पुण्य है। कर दंडोत पुनवड्डा है रहाओ, गुरु के आगे दंडवत प्रणाम करना सबसे बड़ा नेक काम है। साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हौ में कंडा है। जो जीव प्रभु से टूटे हुए हैं हरी रस के स्वाद को नहीं जान पाते, ऐसे जीवों के हृदय में अहंकार का कांटा चुभा हुआ है। जो जो चले चुभे दुख पावे, जैसे जैसे ऐसे जीव चलते हैं अर्थात अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अहंकार का कांटा उन्हें चुभता है और जीवन में वे दुख भोगते हैं। जमकाल सहे सिर डंडा है, और अपने सिर के ऊपर यमराज का डंडा सहारना पड़ता है अर्थात आत्मिक मौत सिर पर मंडराती रहती है।
हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। जो प्रभु के भक्त अपने प्रभु नाम में दिन रात समाये रहते हैं, उन्होंने संसार के जन्म और मरण के दुखों को काट लिया है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोब खंड बर मंडा है। उन्होंने कभी नाश ना होने वाले प्रभु को पा लिया है। ऐसे जीवों की शोभा पूरे खंड ब्रह्मांड में हो रही है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राखवट वड्डा है। हे जगत पिता, हम जीव तेरे दर के गरीब बेचारे हैं। हे प्रभु, तू सबसे बड़ा मददगार है, हमारी रक्षा करो। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। हमारे लिए तो श्री गुरु नानक देव जी आपका ही आधार और आसरा है, और आपके नाम से ही सभी सुख प्राप्त हुए हैं। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। गुरु जी विनती करते हुए कहते हैं, हे मेरे मित्रों सुनो, यह मनुष्य जन्म संतों की सेवा करने का बड़ा ही शुभ अवसर है। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। अपने इस जीवन में प्रभु के नाम का लाभ लेकर चलोगे तो परलोक में जाकर बसना आसान हो जाएगा। औद घटे दिनस रह नारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। लगातार दिन रात जीवों की आयु घटती जा रही है। हे मेरे मन, गुरु के साथ मिलकर इस जन्म को सफल बना। ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी, यह संसार विकारों और ब्रह्मों से भरा हुआ है। केवल ब्रह्म ज्ञानी ही इस जीवन से पार हो सकता है। जिसे जगाए पियावे एहरस, अकत कथाति न जानी। प्रभु जिस जीव को जगाकर यह रस पिलाता है, उसी ने प्रभु की अकत कथा को जान लिया। जाको आए सोई पिया जो, हे भाई जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हो उसे संपूर्ण करो। हर गुरते मने बसेरा, गुरु द्वारा ही प्रभु मन में बस सकता है। निजघर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होएगो फेरा। अपने घर में अपने आप ही आत्मिक आनंद पाओगे और फिर जन्म मरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अंतर जामी पुरक विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। हे अंतर्यामी सभी के दिलों की जानने वाले मालिक, मेरे मन की इच्छा पूरी कीजिए। नानक दास इह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मैं दास आपसे केवल यही सुख मांगता हूँ कि मुझे कृपा करके संतों के चरणों की धूल बना दो।